हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूँ संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में ऑनलाइन ज्वेलरी मैंने परचेज की है उसका मैं हॉल लेके आई हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने राखी लुक बुक बनाया है 2021। आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो उसका लिंक दे दूंगी, वो चेकआउट की लीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में रील भी देख सकते हो। और मैं अभी आपको वो उसमें मैंने जो जो ज्वेलरी पहनी है उसका मैं अभी आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि क्या क्या पहना है, क्या क्या लिया, किस कौन से कॉस्ट में लिया वो सब। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली मैं पहले आपको दिखाने वाली हूँ वो जो रिंग सेट जो मैंने साड़ी पहनी थी उसके ऊपर मैंने इयररिंग्स पहने थे और रिंग पहनी थी, तो वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये ऐसे आई थी बबल रैप के अंदर, बहुत अच्छी तरह आई थी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा करके दिया था क्योंकि डैमेज ना हो इसके लिए। सिर्फ इन्होंने बॉक्स नहीं दिया है उतना ही, बट बबल रैप बहुत अच्छे से करके दिया है उन्होंने। और ऐसे पैकेजिंग में आया था ये ऐसे पैकेट था। आप इसका शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं पूरा रिव्यू डिटेल में दूंगी, नहीं तो आप मेरा शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए ऐसे ऐसे पैकेजिंग में आया था ये, मुझे आई थिंक 170 रुपीज में मिला ये तीनों, मतलब इयर रिंग्स वन पेयर और रिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये देखिए इयर रिंग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है। पहले मैं आपको ये दिखाती, बाद में मैं आपको ये रिंग दिखाती हूँ। सो सेम है इयररिंग और रिंग सेम है, बट अच्छा लगता है ना कभी जब इयररिंग पहने और वैसे ही रिंग मिले, तो इसके लिए मैंने लिया। और ये साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है और ये मल्टी कलर है, आई थिंक पिंक और ऑरेंज कलर है इसके अंदर, तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो या सिल्वर ज्वेलरी है तो किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उस साड़ी से मैचिंग ऐसा नहीं लिया था, बट मुझे ये अच्छा लगा और क्वाइट अफोर्डेबल लगा कि कम दाम में मुझे ये मिला। आई थिंक 170 रुपीज इज इनफ, क्योंकि बाहर जाएंगे तो ओनली सिल्वर रिंग ये लेंगे तो 200 रुपये या 200-250 रुपये में आता है, तो इसके साथ मुझे ये रिंग मिली तो मुझे अच्छा लगा, कॉम्बो ये अच्छा लगा, कम दाम में मिला। आई थिंक तभी भी सेल लगा था, जैसे मैंने कुर्ते सेट अभी जो पिछले वाला हॉल किया था उसमें मैंने जैसे बताया कि मैंने सेल प्राइस में लिया था, जब सेल लगा था तब लिया था। आप भी वैसे परचेस कर सकते हो, और किसी किसी को ऐसा लगता है कि सेल में अच्छा आता है कि नहीं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। सो ये मैंने परचेस कर लिया था। ये मैंने सब मार्केट प्लेस से खरीदे हैं, उनके पास से खरीदे हैं। आपको चाहिए होगा तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिटेल में दे दूंगी नीचे। और ये था पहला कॉम्बो, ये मैंने साड़ी के साथ पहना था। तो अभी जो नेक्स्ट है ये मैंने इयररिंग्स लिए हैं, हेवी वाले जो बड़े बड़े इयररिंग्स लिए थे मैंने, फर्स्ट टाइम लिए थे, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे। ये देखिए ऐसे पैकेजिंग में आया था, पूरा बबल रैप की तरह था, ऐसा पूरा बबल था, बबल रैप, और इसके अंदर ऐसे ये खोल के, इसका भी शॉर्ट से आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और ये देखिए ये दो कॉम्बो मुझे आई थिंक 260 में कुछ मिला, मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा क्योंकि 130 में एक मुझे ये हुआ गिरा, तो ये मैंने दो ले लिए, एक सिल्वर ज्वेलरी एक ऐसे गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स। तो मैं पहले ये दिखाती हूँ, ये ऐसे झुमका टाइप लगता है बट बहुत अच्छा है। और जैसे हम लोग ऐसे सजते रहते हैं या त्यौहार रहते हैं तो उसके ऊपर वो जो ड्रेसिंग करते हैं उसके साथ ये बहुत अच्छी तरह मैच हो जाएगा, इसके लिए मैंने लिया। ये देखिए इसका प्राइस मुझे दोनों 260 में मिला, सो मुझे क्वाइट अफोर्डेबल लगा। और ये नीचे ऐसे झुमके हैं ऊपर पूरा, और बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये पहनेंगे ना तो नेकलेस भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, मांग टीका नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ये पहनो, ज्वेलरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और ऐसे इसका है मतलब ये है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए, थोड़ा हेवी है मेरे हिसाब से क्योंकि मैं इतना बड़ा हेवी पीसेस अभी तक पहनी नहीं हूँ इसके लिए, बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये अच्छी तरह रहता है ऐसे कान में, मुझे ऐसे डर लग रहा था कि गिरेगा या मैं कान में मेरे मतलब मैं संभल पाऊँगी कि नहीं, बट बहुत बहुत अच्छी तरह रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है। सो आप ये ले सकते हो, बहुत अभी इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है बट उस वक्त सेल लगा था तो मैंने वो ग्रैब कर लिया।
तो ये मेरा पहला ये पेयर मिला और उसके साथ मैंने ये लिया। ये अभी नया ट्रेंड में है तो सोचा लेके देखती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। ये देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगता है झुमका टाइप, बहुत बहुत। और ये ब्लैक सिल्वर बोलते हैं ना वैसा है, और ऊपर ऐसे मयूर है, मोर है, और नीचे ऐसे ये है, और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये 130 में मतलब रिजनेबल प्राइस लगता है, बहुत अच्छा है, हेवी नहीं है। जिसको आदत है ना मतलब हैवी पहन सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत मतलब सोने पे सुहागा है ऐसा है, और बहुत अच्छा है, आप परचेस कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। सो ये था जो मैंने दोनों सेट के ऊपर पहने हुए इयररिंग्स। और अभी मैंने और एक लिया था तो मैंने सोचा इस वक्त ही दिखा देती हूँ। मैंने मंगलसूत्र लिए थे कॉम्बो में, थे बहुत अच्छा कॉम्बो मिला मुझे। और ये देखिए ऐसा छोटा सा पैकेट ही आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पैकेट में मंगलसूत्र आपको लगेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मैंने देखा। ये देखिए इतने से ही बॉक्स में आया, ये बॉक्स में था पैकिंग, ये देखिए। और छोटे छोटे स्वीट स्वीट मंगलसूत्र है, ये देखिए 1, 2, 3, और एक मैंने पहना हुआ है ये 4, 4 था। 200 में मुझे 4 मिला, मतलब 50 रुपीज में 1 ऐसा पड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इतना सा छोटा सा पैकेट है और इसके अंदर ये मंगलसूत्र है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। अभी तो नया स्टाइल आया है, ट्रेंड में है ये मंगलसूत्र, सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा ब्लैक मनी और नीचे ऐसा डायमंड, ऐसे ऐसे ये 3 है और मैंने एक पहना हुआ है, और अलग अलग शेप में है डायमंड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इसमें जो ये डायमंड है ये राउंड शेप में है, इसके इसके अंदर ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो अच्छा है ना, अलग अलग हम लोग स्टाइल में पहन सकते हो। और मतलब डायमंड अलग अलग लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, साड़ी के साथ या सूट के साथ आप पहन सकते हो ऐसे। मैं 3 अभी ये 3 दिखाती हूँ, और मैंने पहना हुआ है अलग अलग ये आया है शेप, जो डायमंड का शेप है वो अलग अलग है, इसके लिए मुझे बहुत पसंद आया। और क्वाइट अफोर्डेबल भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत प्राइस है इसका, 200 में 4 मिल रहे हैं, मतलब कॉम्बो बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने सेल प्राइस में लिया था, इसके लिए मुझे इतने में मुझे मिला, आई थिंक इसका एक का प्राइस 120 कुछ है, सो मुझे बहुत बहुत अफोर्डेबल है। सो ये था हॉल मेरा, ज्वेलरी का हॉल, वो क्लोथ का हॉल है, वो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सब मिंत्रा और जो साड़ी पहने उसका पूरा रिव्यू किया है, कैसा खरीदी करना है, परचेस करना है, सब पूरा डिटेल में दिया है। वो वीडियो चेकआउट करने के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो चेकआउट कर लीजिए। और ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए, कैसे लगा, रिव्यू कैसे लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।